भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप उस व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं जिसे शिक्षा से वंचित रखा गया था, लेकिन फिर भी उसने भारत के कानून मंत्री बनने के लिए संघर्ष किया। यह भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपनी पीएचडी पूरी करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री के रूप में, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन हैं: सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंद स्वराज, दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आदि। उन्होंने हमेशा अपने देशवासियों को सच्चाई और सद्भावना का मार्ग दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सरदार पटेल को भारत की आजादी के बाद के एकीकरण के लिए जाना जाता है। मदर टेरेसा। बहुत समय पहले एक छोटी लड़की का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, जिसके पास सभी विशेषाधिकार थे, लेकिन उसने गरीबों और बीमारों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने दया, मानवता, सहानुभूति और शांति का संदेश दिया। वह मदर टेरेसा थी। 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपजे में एक व्यापारी परिवार में जन्मी वह एक रोमन कैथोलिक थी और उनका जन्म का नाम अंजेस गोंक्षे बोजाक्सी था। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त व्यक्तित्व थे, जिन्होंने आजादी के समय अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती थी। वह एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके माता पिता अंग्रेजी शिक्षा से काफी प्रेरित थे। भगत सिंह। इन्हें शहीद ए आजम भी कहा जाता है। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में बंगा पहले पंजाब में था, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और उनकी माता विद्यावती कौर थी। वह कट्टरपंथी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार के सभी पुरुषों का मानना था कि उन्हें देश की आजादी को छीनने के लिए अत्यधिक उपायों का पालन करना होगा। इस प्रकार वह एक बेहद देशभक्त व्यक्ति बन गए। भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें बहुत कम उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय थे और वे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1912 में नेहरू ने पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वार्षिक सत्र में भाग लिया और भारतीय राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने होम रूल मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और कई अन्य आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, जिन्हें आमतौर पर एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है। वह एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही विनम्र आर्थिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था। अपने पूरे जीवन में अब्दुल कलाम हमेशा एक उज्जवल मेहनती छात्र रहे हैं। उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया और फिर MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।